राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 15 जनवरी से 18 जनवरी तक मुरादाबाद प्रवास पर रहेंगे। यहां वे 4 दिन तक संघ के प्रचारकों और स्वयंसेवकों के साथ आगामी कार्यक्रमों और रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह संघ प्रमुख का वार्षिक कार्यक्रम है जो देश में हर क्षेत्र में होता है। इस साल पश्चिम क्षेत्र मुरादाबाद में हो रहा है। इसके लिए शहर के MIT कॉलेज में इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज कॉलेज सभागार में बैठक कर योजना बनाई गई। विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने बताया कि अगले सप्ताह से मुरादाबाद के प्रवास पर रहेंगे। उनका प्रवास संघ की नियमित वार्षिक प्रवास योजना का भाग है। सर संघचालक प्रति वर्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में संघ कार्य की स्थिति एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ भविष्य की कार्य योजना हेतु उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। कार्य की दृष्टि से सर संघचालक का प्रवास प्रति वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में होता है। इस योजना के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रवास इस बार मुरादाबाद में निश्चित हुआ है। संघ कार्य योजना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र मेरठ प्रांत, ब्रिज प्रांत एवं उत्तराचल प्रांत 3 प्रांतों में विभक्त है। सर संचालक का 4 दिवसीय प्रवास 15 जनवरी से 18 जनवरी 2020 की अवधि में मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुरादाबाद में रहेगा। 15 जनवरी की सायं उनका आवागमन होगा। 16 जनवरी को क्षेत्र की बैठक, 17 जनवरी को क्षेत्र के सभी प्रचारकों की बैठक होगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। परम पूजनीय सर संघचालक जी, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रवास उनका निश्चित रहता है। उसी अपने नियमित कार्यक्रम के तहत इस बार इस क्षेत्र में उन्होंने मुरादाबाद आना निश्चित हुआ है। उनका हमारा जो संघ दृष्टि से क्षेत्र है उसमें 3 प्रांत आते हैं, मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत और उत्तरांचल प्रांत। मेरठ प्रांत के अंदर वो कभी उनका कार्यक्रम किसी भी जगह होता है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रवास होता है। कल शाम को वो आएंगे। 16 तारीख में पूरे क्षेत्र की बैठक है, तीनों प्रांतों की संयुक्त बैठक है। पूरे दिन वो बैठकें चलेंगी। 17 तारीख को पूरे क्षेत्र के सभी प्रचारकों की, विभाग प्रचारक और उससे ऊपर के जो भी प्रांत प्रचारक हैं या अन्य दायित्वों पर हैं, वह सभी प्रचारक 17 तारीख को पूरे दिन उनकी बैठकें चलेंगी। और 18 तारीख को प्रातःकाल 8:30 से 10, उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए इतना ही समय दिया था, तो उसमें हम मकर संक्रांति उत्सव के रूप में MIT में मनाएंगे। प्रातःकाल 8:30 से 10 का समय है। अपना संघ कार्यालय का नवनिर्मित भवन जो गांधीनगर में बना है उसका लोकार्पण भी हमने उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने हमको एक आधे घंटे का समय उसके लिए दिया है। तो वह यहाँ से जाएंगे 3 बजे, 3:30 बजे उसका लोकार्पण है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमने लोगों को आमंत्रित नहीं किया है, अपने स्थानीय कार्यकर्ता जो उसमें स्वतः पहुँचेंगे, तो ये सब उनका रूटीन वर्क है। और वहाँ से वो लोकार्पण के बाद 4:30 बजे यहाँ से अपने गंतव्य के लिए चले जाएंगे। कितने कार्यकर्ता रहेंगे सर पूरे संघ? इस बैठक में लगभग 300 कार्यकर्ता इन बैठकों में रहेंगे। और जो 18 तारीख का कार्यक्रम है उसमें 5,000 के लगभग स्थानीय कार्यकर्ता उसमें आएंगे। मीडिया के लिए क्या अभी तक कुछ निर्देश? मीडिया के लिए अभी तक उन्होंने और कोई वो कार्यक्रम नहीं दिया है, लेकिन जो 18 तारीख का कार्यक्रम है वह स्वतंत्र है, उसमें मीडिया के लोग सभी आ सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मकर संक्रांति कार्यक्रम जिसमें 5,000 लोग रहेंगे जी। अच्छा, कितने जिलों के, वेस्ट यूपी के कितने जिले इसमें? इसमें मेरठ प्रांत में हमारे 3 कमिश्नरियां हैं, मुरादाबाद कमिश्नरी, मेरठ कमिश्नरी और सहारनपुर कमिश्नरी। ये 3 कमिश्नरी मिलाकर के एक प्रांत बनाया हुआ है, तो ये मेरठ प्रांत है। इसी प्रकार से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बाकी भाग है, अलीगढ़, आगरा, वो ब्रज प्रांत कहलाता है, उसका केंद्र जो है आगरा है। और जो तीसरा प्रांत है हमारे क्षेत्र में वह उत्तरांचल प्रांत है, वो संपूर्ण उत्तरांचल का जो है उसका केंद्र देहरादून है। सर, कुछ खास उद्देश्य इस मतलब संचालक जी के? ये उनका नियमित कार्यक्रम होते हैं, हमारे जो इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं उनकी समीक्षा है, जो
उनके आगे उनके मार्गदर्शन मिलेंगे कि भाई ये काम और ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये सब उनका नियमित है, इसके लिए कोई अलग से कुछ हुआ नहीं है। ये बस केवल इतना है कि इस बार मुरादाबाद बैठक हो गई, हो सकता है अगले वर्ष जो है वो आगरा या अलीगढ़ बैठक करें या देहरादून करें और रहता है उनको उस क्षेत्र में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।